मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बम्बई के सारे हमारे शिवसैनिक को आज आह्वान करता हूँ कि आज 1 जुलाई BMC के ऊपर आदरणीय उद्धव जी ठाकरे और आदित्य जी ठाकरे इनके नेतृत्व में हमने ज़ोरदार मोर्चे का आयोजन किया। आप देख रहे हो कि हमारे साथ स्थानिक नगर सेविका माधुरी भोईर, उनके साथ महिला शाखा संगठक, शाखा प्रमुख, सभी हमारे आला पदाधिकारी, आप हम लोग अभी मोर्चे के लिए जा रहे हैं। और मोर्चे का उद्देश्य ये है कि BMC में 1.5 साल से कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ है। 2022 में फरवरी में इलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन आज तक 1.5 साल हुआ है, कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ है। जनता बेहाल है, जर्जर है, बहुत से ऐसी कठिन परिस्थिति से जनता जा रही है, लेकिन कोई फंड नहीं है, निधि का कोई वितरण नहीं है। और निधि का वितरण अगर हो रहा है तो ये सिर्फ ऊपर के जो ऑफिसर है, ऊपर के जो मंत्री है, उनके आदेशों के अनुसार प्रशासन ये सब चला रही है या फिर उनको चलवाया जा रहा है। इनके ऊपर हम लोग ने ये मोर्चा निकाला है आदित्य जी ठाकरे इनके नेतृत्व में। और जो कि आप देख रहे हो कि 6,000 करोड़ का रास्ते घोटाला एक ही टेंडर निकाल के एक ही कॉन्ट्रैक्टर को देना, 263 करोड़ का फर्नीचर घोटाला, फर्नीचर तो पूरे बम्बई में कहीं पे भी नहीं दिखाई दिया है कि बेंचेस हो या फिर आपके पॉट्स हो जो झाड़ लगाने वाले, ऐसे कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे बड़े बड़े घोटाले हैं। और इस घोटाले के तहत आप देख रहे हो कि इतने बम्बई में सारी जगह पर लाइटिंग लगा दी है, 1700 करोड़ रुपये खर्चा कर दिया, लाइट कौन सी जल रही है, सब चाइना की लाइट है और लाइट कहीं पर भी जल नहीं रही है। लेकिन जिसको फ़ायदा मुनाफा होना था उनको कर दे दिया है और आज जनता बेहाल है। यही उद्देश्य है और यही ऑफिसर है, ऊपर के जो मंत्री है उनके आदेशों के अनुसार प्रशासन ये सब चला रही है या फिर उनको चलवाया जा रहा है। इनके ऊपर हम लोग ने ये मोर्चा निकाला है आदित्य जी ठाकरे इनके नेतृत्व में। और जो कि आप देख रहे हो कि 6,000 करोड़ का रास्ते घोटाला एक ही टेंडर निकाल के एक ही कॉन्ट्रैक्टर को देना, 263 करोड़ का फर्नीचर घोटाला, फर्नीचर तो पूरे बम्बई में कहीं पे भी नहीं दिखाई दिया है कि बेंचेस हो या फिर आपके पॉट्स हो जो झाड़ लगाने वाले, ऐसे कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे बड़े बड़े घोटाले हैं। और इस घोटाले के तहत आप देख रहे हो कि इतने बम्बई में सारी जगह पर लाइटिंग लगा दी है, 1700 करोड़ रुपये खर्चा कर दिया, लाइट कौन सी जल रही है, सब चाइना की लाइट है और लाइट कहीं पर भी जल नहीं रही है। लेकिन जिसको फ़ायदा मुनाफा होना था उनको कर दे दिया है और आज जनता बेहाल है। यही उद्देश्य है और यही उद्देश्य के तहत हम लोग आज मोर्चा पे जा रहे हैं। आज लगभग 1 ते 1.5 वर्ष झालं आमचं महानगरपालिकेचं इलेक्शन अजून झालेलं नाही आहे। आमचा कालावधी 5 वर्ष माझा कालावधीचा संपून गेलेला आहे, परंतु आत्ताचं जे सरकार आहे ते इलेक्शन न घेण्याच्या मनस्थितीमध्ये आहे। आणि आता सगळीच मुंबई जनता बघते आहे की महानगरपालिकेमध्ये नगरसेवक नसताना टेंडर काढले जात आहेत, सुशोभीकरणाची कामं आणि सगळं केलं जातं आहे। जर महानगरपालिकेमध्ये नगरसेवक हा ट्रस्टी असतो आणि नगरसेवकच नसताना जर हे टेंडर किंवा काय जे सगळं निघतं आहे त्या संदर्भात आज आमचे आदित्यजी ठाकरे युवा नेते आहेत, त्यांनी जो मोर्चा काढलेला आहे तो मोर्चा आता तुम्ही बघाल तर तिथे अतिविराट असा मोर्चा असेल। आणि या मोर्चाचं उत्तरच हे या सरकारला असेल। एवढं बोलून मी 2 शब्द संपवतो।